हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा विंटर सीजनल वीज़ा के बारे में। सीजनल वीज़ा स्टार्ट हो चुका है विंटर का। अभी मैं आपको इस जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का, सारी चीज़ें बताऊँगा। इस वीडियो को कम्प्लीट देखना। देखें, अभी जो है जर्मनी में, सिर्फ जर्मनी में नहीं, स्पेन में नहीं, इटली में, पूरे यूरोप के अंदर सीजनल वीज़ा स्टार्ट हो चुका है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ एक कंट्री का नहीं, यूरोपीय यूनियन का, जहां पर 27 मुल्क हैं जिनमें सीजनल वीज़ा स्टार्ट हो चुका है विंटर के लिए। अभी विंटर में कौन कौन सी फसलें होती हैं वो मैं आपको वीडियो में सारी दिखा दूँगा, कौन कौन सी फसलें होती हैं जहाँ पर। माइस कहते हैं, भुट्टे की फसल बहुत ज़्यादा होती है, सेब की फसल ज़्यादा होती है, शपागल कहते हैं, ग्रीन कलर का शपागल, उसकी फसल ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो है सेब होता है यहाँ पर। सेब की कटाई के लिए, पैकिंग के लिए बहुत सारे बंदे चाहिए होते हैं। अभी मैं आप लोगों को, बहुत सिंपल तरीका है और इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा। अगर हुआ तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा और फॉर्म अप्लीकेशन अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा कि कहां से आपको अप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसको प्रॉपर तरीके से फिल करनी है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें अटैच करके आपको अप्लाई करना है। इसमें कोई फनकारी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, आपको सिंपली अप्लाई करना है। तो देखें, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि अभी जो है भुट्टे की फसल लगी हुई है, मेरे बिल्कुल फ्रंट पे भुट्टे की फसल लगी है। यहाँ पर ग्रीन कलर का शपागल है, शपागल की फसल लगी हुई है। यहाँ पर अभी कटिंग स्टार्ट होने वाली है और भुट्टे की फसल है वो भी ज़्यादा तैयार हो चुकी है, उसकी भी फसल अभी मतलब के कटाई स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए पूरी यूरोप के अंदर बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा फ्रूट फार्म हाउस में, वेजिटेबल फार्म हाउस में, हत्ता के आपको जो एनिमल जो है फार्म हाउस उसमें भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी आने वाला है सीज़न, आने वाले क्रिसमस में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बदख खाया जाता है, जिसको एंटे कहते हैं, बदख खाया जाता है। और उसके साथ साथ खरगोश भी यहाँ पर बहुत खाया जाता है क्रिसमस में। तो इस वजह से उसकी कटाई के लिए, पैकिंग के लिए, सफाई के लिए बहुत सारे लोग प्रोडक्शन के लिए, मीट प्रोडक्शन पैकिंग के लिए भी चाहिए, वेजिटेबल्स के लिए भी चाहिए, कटिंग के लिए चाहिए, पैकिंग के लिए चाहिए, सफाई के लिए चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए पूरे यूरोप के अंदर। तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अभी मेरे फ्रंट पे कौन सी फसलें हैं तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर कोई है नहीं तो मैं आपको बात करवा देता, मगर यहाँ पर आज संडे का दिन है, कोई भी नहीं है। चले मैं आप लोगों को फसल देख, ये एप्पल फार्म हाउस देखें आप, और यहाँ पर जो है मंथ दिसंबर में यहाँ पर सारी स्टार्टिंग हो जाएगी जो काश्तकारी, एप्पल की कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये वसी पैमाने पर तकरीबन हज़ारों के एकड़ में ये फार्म हाउस है। ये रोड के उस तरफ भी हैं और रोड के इस तरफ भी हैं, मतलब आपको इस तरफ भी एप्पल मिलेंगे, इस तरफ भी एप्पल मिलेंगे। कुछ तैयार होके गिर गए, ये भुट्टे की फसल है, ये भुट्टा तैयार हो चुका है, ये भुट्टे की फसल है, ये भुट्टा, ये जो भुट्टा है मीठे टाइप का भुट्टा है, ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है और बच्चों के लिए खाने पीने के लिए बहुत सारे ये भुट्टा इस्तेमाल होता है। इसको स्विस माइस कहते हैं, माइस कहते हैं जर्मनी में भुट्टे को। ये भुट्टे की फसल है और इसके साथ यह है, सामने मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो आप वाइट कलर के देख रहे हैं ये है, इनके ऊपर जो स्पागल जब तैयार हो जाता है इसके ऊपर कवर करने के लिए, ये ज़्यादा गर्मी पड़े, धूप लगे, तो ये है स्पागल की फसल। स्पागल जो होता है वो मूली की तरह होता है, ग्रीन स्पागल, तो
उसकी कटिंग के लिए वो आलू की तरह होता है, ज़मीन में धंसा हुआ होता है, आपको सिर्फ वहाँ से निकालना है और आपको पैक करना है। उसके बाद उसकी प्रॉपर तरीके से पैकिंग होती है। तो ये सारी ज़मीन है तकरीबन हज़ारों एकड़ में, बैक साइड पे भी बहुत है, वहाँ पर भी भुट्टे की फसल है। यह आप अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं, ये बैक साइड पर तकरीबन बहुत ही हज़ारों की तादाद में ये ज़मीन है और यहाँ पर वर्कर्स की ज़रूरत है। देखें, पहले जो है ना वो ये होता था कि रोमानिया, बुल्गारिया से, यूरोपीय यूनियन से वो बंदे आते थे, वो भी आ रहे हैं, मगर क्या है कि अभी और ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। अभी उन्होंने कहा है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। अभी अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखें, अप्लाई करने का तरीका ये कि आपको दो जो हैं फोटोकॉपी अपने पासपोर्ट की, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट जो है उसकी जो फ्रंट कॉपीज़ हैं, फ्रंट जहाँ पर आपका नेम वगैरह लिखा हो, इसकी दो कॉपी, दो ब्लैंक जो पेज होंगे उनकी कॉपी, दो बायोमेट्रिक पिक्चर होंगे वो आपको साथ लगाने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैं वेबसाइट बताऊंगा, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, प्रॉपर तरीके से फिल करना है। उसके साथ साथ जो लास्ट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपको फाइनेंशियली कुछ शो करवाना है। फाइनेंशियली मतलब शो इसलिए करवाना है, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं आ रहा हूँ सीजनल वीज़ा पे, फाइनेंशियली क्या शो करवाना है। देखिए, जब आप आएंगे तो आप एक मंथ काम करेंगे, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी आपको नहीं है कि आप एयरपोर्ट पर पहुँचे आपको सैलरी मिलेगी, वो आपको सैलरी देंगे जब आपका मंथ कंप्लीट हो जाएगा, जब आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो इस वजह से उस पूरे मंथ के लिए रहने के लिए, आपको खाने के लिए, रहने की अकोमोडेशन आपको ज़्यादातर कंपनीज देती है। एजेंट होते हैं, एजेंट मतलब कंपनी के एजेंट्स होते हैं, वो आपको अकोमोडेशन देते हैं, मगर खाने के लिए आप लोगों के पास पैसे होने चाहिए, मतलब यूरोज़ होने चाहिए। वो यूरोज़ तकरीबन 1000-2000 यूरोज़ वो आपको साथ लेकर आने, वो आपको शो करवाने। अगर आप शो करवाते हैं तो उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा, वरना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। कोई एज लिमिट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 50 साल है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं उनकी उम्र 40-50 साल है, वो लोग आते हैं, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, कोई मतलब कि आपको ये नहीं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो आपको यहाँ पर बिठा देंगे, अपने आपको सिर्फ काम करना है, जैसा आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा यहाँ से बस आएगी आपको लेकर आपके एरिया में, जहाँ पर आपकी अकोमोडेशन है वहाँ पर ले जाएगी जी। तो आप लोगों को सारी जो फैसिलिटीज़ है और फैसिलिटीज़ आपको कंपनीज देगी, मगर ये कि आप लोगों को जो है एप्लीकेशन फॉर्म और प्रॉपर तरीके से फिल करना है, पासपोर्ट की कॉपीज़, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, बायोमेट्रिक पिक्चर होनी चाहिए, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट दिखानी है, बस यही चीज़ें हैं। आप अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा जो है वीज़ा है पूरे यूरोप का वीज़ा है। अभी इसमें क्या है कि अगर आपको यूरोप की किसी भी एक कंट्री को चूज़ करना है जहाँ पर आपका दिल कहता है, आप वहाँ पर अप्लाई करें। उस कंपनी में मतलब कि उस कंपनी में बहुत सारे वीज़ाज़ हैं, मतलब यूरोपी शेंजन के वीज़ा हैं। किसी भी कंट्री को एक को सेलेक्ट करना है, उसके डॉक्यूमेंट सारे आपको वहाँ के रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं आपको, ये 3-4 चीज़ें सबमिट करनी है। अभी मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। देखें, अगर आपको कल को वीज़ा मिल जाता है, वो वीज़ा मिलेगा आपको 3 मंथ्स का शॉर्ट टाइम वीज़ा मिलेगा, मगर वहाँ पर लिखा हुआ है 3 से 9 मंथ्स। अभी आप बोलेंगे हमें 9 मंथ्स का बोला है, मगर 3 मंथ्स का वीज़ा जो होगा वो यहाँ पर आके एक्सटेंड होगा। अगर यहाँ पर आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है तो उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम पीरियड है शायद 9 मंथ से 12 मंथ हो जाए, 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप अच्छा काम करते हैं, तो आपको क्या होगा कि जर्मनी में अगर सपोज़ सीजनल वीज़ा ख़त्म हो गया, यहाँ पर कोई नहीं है, तो आपको फ़्रांस भेज देंगे। अगर फ्रांस नहीं है तो इटली नहीं है तो पुर्तगाल, कहीं भी आपको फ़िक्स कर देंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस आप अच्छा काम करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द इसका रिप्लाई दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्लू पासपोर्ट के बारे में। ब्लू पासपोर्ट में मैंने डिटेल नहीं बताई कि उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है। वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ब्लू पासपोर्ट कैसे अप्लाई किया जाता है।
तो आज की वीडियो यहाँ पर एंड होती है, अपना ख्याल कीजिएगा, और आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।